इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन। राइट इंटरप्रिटेशन से मुराद है कि एक चीज़ या कुछ हालात आपको दरपेश आ गए हैं तो उसमें से सही बात अखज करना, इसको कहते हैं मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस पर मैं आपको एक वाक्या सुनाता हूँ, बड़ा मज़े का। इश्फाक अहमद लिखते हैं, वाक्या शायद फ़र्जी है लेकिन फ़र्जी वाक्यात से अगर हम कुछ लेसन लर्न कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वाक़ ऐसे है कि एक बादशाह की सल्तनत थी, उस सल्तनत में एक शख्स था, उसके पास एक इंतहाई नायाब घोड़ा था, इतना नायाब कि बादशाह उसका शदाई हो गया और बादशाह बहुत ज़्यादा शदाई था घोड़ों का। बादशाह ने कहा, यार इस शख्स से ये घोड़ा ले आओ, मैंने ख़रीदना है। उसका वज़ीर गया, शख्स को कहा कि घोड़ा बेच दे अपना। उसने कहा कुछ और मांग लो, लेकिन घोड़ा ये कि बचपन से मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, जज्बात है, बेटों की थना पाला है। उसने कहा घोड़ा मैं नहीं दे सकता, घोड़ा मुझे भी बहुत पसंद है। बड़ा हैरान हुआ वज़ीर, वापस चला गया। बादशाह को ये बात बर्दाश्त ना हुई, उसको गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा, उसने कहा मैं चलता हूँ। बादशाह खुद आ गया, बादशाह ने कहा कि मुँह मांगी रकम तुझे दूंगा, जो तू कहता है तुझे दूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत आप जान मांग लें, लेकिन ये कि ये नहीं मैं दे सकता, मेरी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है ये बात कि मैं अपना पाला हुआ घोड़ा जो है वो इस तरह बेच दूँ, मैं मुझे है ही नहीं ज़रूरत ही नहीं, माल की अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग जमा हो गए, ये देख रहे थे सारा माजरा, लोग आपको पता है जीना हराम करते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा चल, तुझे मैं आधी सल्तनत दे दूंगा, बादशाह ने टेस्ट करने के लिए। उसने मुस्करा कर कहा कि नहीं। अब बादशाह ने कहा तू पछताएगा, बादशाह चला गया। लोग आ गए, लोग ने कहा कि यार तू इतना बदबخت है, देख तू इतनी बड़ी ऑफ़र हो रही, क्या ये घोड़ा, एक घोड़े के पीछे तूने बादशाह की ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। वो मुस्कराया, उसने कहा मुझे पता है मैंने क्या किया, मेरी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता मैं अपनी कोई पाली हुई चीज़ किसी को ऐसे ही पैसे में दे दूँ। लोगों ने कहा तू पछताएगा, उसने कहा अल्लाह मालिक। अब हुआ ये वाक्य आगे जाता है कि वो घोड़ा भाग गया अस्तबल से तकरीबन चंद दिन बाद। अब आप देखें लोगों ने किस तरह मेंटल टॉर्चर दिया होगा, लोगों ने कहा कि अब हुन आराम है, अगर इस घोड़े को बेच देता तो आज तेरे पास पैसे भी होते, आधी सल्तनत का बादशाह भी होता, क्या मिला, भाग गया, एक जानवर जिससे तूने वफा की, देख जानवर ने तेरे से वफा नहीं की, चला गया। वो मुस्कराया, उसने कहा बस यही था किस्मत में, कोई बात नहीं, मेरा उसका साथ इस तरह लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने जो देना है देना, हो सकता है अल्लाह मुझे इसके बदले बहुत कुछ दे दे। अब हुआ ये मज़े की बात, लिखने वाले लिखते हैं कि वो घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े ले आए जंगल से, वो घोड़ा ऐसा था घोड़ों का सरदार था। अब जब वो 12 घोड़े उसके पीछे आ गए तो लोग फिर जमा हो गए, अब लोगों ने रवैया चेंज कर लिया। बताने का मकसद था क्या राइटर का, कि लोग चेंज होते हैं वाक्यात के मुताबिक, हालात के मुताबिक, एक वाक्य को पकड़ के ना पूरी लाइफ को पेंट कर देते हैं। अब लोगों ने कहा अच्छा तू तो बड़ा अकलमंद है, तूने तो इसको ट्रेन किया हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, असल में तू 12 घोड़े और लाना चाहता था ताकि एक की बजाय 13 घोड़े बेचे और तुझे ज़्यादा माल मिले। तो वो हंसा क्या था, नहीं नहीं तुम लोग बेवकूफ़ हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अल्लाह ने देना था, अल्लाह ने मुझे इसके बदले दिया और मेरा अल्लाह पे बिलीफ है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। वो अभी तक राइट इंटरप्रिटेशंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उसके घोड़े पे उसका बेटा बैठा था, इकलौता बेटा, घोड़े ने उसे घिराया, उसके बेटे की टांग टूट गई। अब वो फिर आ गए लोग, देखा मनूस घोड़ा है तेरा, इकलौता बेटा, तेरा कौन सहारा बनेगा। उसने कहा भाई देखो ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह मालिक है, मेरा सहारा अल्लाह है, मेरा बेटा ठीक है इसकी टांग टूट गई लेकिन ये कि दुख तो बहुत है, बट ये कि मेरी नज़रों के सामने रहेगा, चलो अल्लाह ताला इससे कोई बेहतरी लाएगा। ऐसा ही हुआ, जंग छिड़ी उसमें इलाके में, और उस तक दौर का रूल था कि हर ऐसा बच्चा जो चल फिर सकता है उसके हाथ में तलवार पकड़ाई जाती थी कि आ जाओ भाई। उसके घर सोल्जर आए बादशाह के, देखा कि टांग टूटी है बेटे की, उन्होंने कहा ये तो हमारे किसी काम का नहीं, उसके बेटे को छोड़ के चले गए। अब लोग फिर आ गए, कहते तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरा बेटा तेरे पास है, लखते जिगर हमारे बेटों को ले गए, रोने लग गए, ये वो हमारा क्या बनेगा ये वो। उसने कहा आई हैव हैड इनफ, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो, और तुम लोगों का मसला ये है कि ज़िंदगी में कोई एक हादसा होता है तुम उसको पकड़ के कंक्लूजन पे पहुंच जाते और पूरी लाइफ पेंट कर देते, जबकि हर मकसद हादसे का एक मकसद होता है, मैंने क्या किया ये मुझे पता है। उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई थी कि मैं ये नहीं कर सकता काम, अल्लाह देगा, अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है, एक हादसे से भी गुजारा, एक्सीडेंट से। अब वो घोड़े को ही ब्लेम करने लग जाता, ये दुख पकड़ने लग जाता कि काश मैं ये घोड़ा बेच देता तो आज मेरे बेटे की टांग ना टूटती, फिर तो वो मारा गया, फिर तो उसने आगे भी नहीं चलना,
ना वो बच्चों को प्यार दे सकेगा। तो मसला ये है कि हम लोग एक पास्ट के वाकये को ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी ना बदवा लग गई हो, इसकी वजह से ना हो गया हो, इसके साथ मैंने ऐसे किया था, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो अल्लाह तो कब का माफ़ कर चुका है, लेकिन आप खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे। असल बात यह है, अल्लाह से तो आपने तभी माफ़ी मांग ली थी, और अल्लाह तो कहता है मुझसे माफ़ी, और उस बंदे से भी ऐन मुमकिन है, आपने उसके हक में भी दुआ कर ली होगी, उससे भी माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन इंसान खुद अपने आप को माफ़ नहीं करता। तो फिर ये कि ऐसा बंदा ना खुद खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। इसलिए राइट इंटरप्रिटेशंस, देखिए मैं आपको हमारी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूथ क्लब के ख़िलाफ़ एक वेव चली, बहुत से लोगों ने क्लिप्स बनाए, बातें की, हमें बहुत दुख हुआ। अपने ही दीनी लोगों की तरफ से जब ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि बग़ैर सोचे समझे वो एक हमारे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दें, वेव निकालना शुरू कर दें, बहुत दुख होता है। लेकिन राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि यार अगर दो ने हमारे ख़िलाफ़ बनाई तो दस ने दुआएं भी तो दी ना, दस ने फेवर में भी तो बोला ना। अगर उन दो पे दुख लेकर बैठ जाएं, उन दो पे ही हम रोना पीटना शुरू कर दें तो हम तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि शैतान आपको सिर्फ वो दो चीज़ें दिखा रहा था कि ये देख ये हो रहा है। इसलिए ऐसे मौके पे जब बहुत ज़्यादा जज्बात हावी हों, बहुत इमोशनल हों आप, बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों, उस वक्त अपने आप को उस इवेंट से डिसोसिएट करके थोड़ा सा निकल के उस जोन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखें, ज़रूर मौजूद होंगी वो पॉजिटिव चीज़ें, राइट इंटरप्रिटेशन करें। अगर आपसे नहीं हो रही, इसीलिए कहते हैं किसी अक्लमंद बंदे से बात कर लें, हो सकता है वो आपको दिखा दे। और ऐसा ही होता है, कोई आपके मुखलिस दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना, इसकी तरफ भी तो तवज्जो दो। इसीलिए कहते हैं ना अपनी नेमतों की तरफ भी तो देखो ना, वो जो चंद एक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं उन्हीं की तरफ तवज्जो दी हुई है, और उसके बाद नेमतें तो देख ही नहीं रहे हम। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ताला ने लोग मोहब्बत करने वाले दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दी होंगी। तो मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल सी मिसाल है, रश में आप फंसे हुए हैं। अब जाहिर है ना हॉर्न बजाने से गाड़ी ने उड़ना है, ना गाली देने से गाड़ी को कोई पर लग जाने, ठीक है ना, ना फैमिली वालों पे गुस्सा करने से गाड़ी को अचानक पर लग जाने और आपने ट्रैफिक से निकल जाना। तो गाड़ी तो फंस गई और इसमें कसूर भी आपका कोई नहीं है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीज़ है। अब लेट तो होना है, बजाए के पैनिक होने के, गुस्सा होने के, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट होने के, जहाँ पहुँचना था उन्हें मैसेज कर दो मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, और रिलैक्स हो, जिक्र कर लें, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें। इसी तरह कोई भी मसला ज़िंदगी में आ गया है तो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन करना सीखें, सबसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचना सीखें। ये एक हैबिट है, ये हैबिट आपको अपने आप को डालनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती डालनी पड़ेगी। कई चीज़ें हम ज़बरदस्ती डालते हैं अपने आप को, ये भी ज़बरदस्ती डालें कि नहीं जो मर्ज़ी हो जाए मैंने मुँह से पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही निकालनी, पॉजिटिव बात ही मैंने मुंह से करनी, ठीक है ना। तो अल्लाह भी फिर ऐसे लोगों की बहुत मदद करता है। तो मेकिंग राइट इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई ईआई। और भी बहुत सी मिसालें मैं आपको राइट इंटरप्रिटेशन की दे सकता हूँ, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर आ गया उसका राइट इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करने पर जाएंगे तो फेलियर ही महसूस करेंगे, राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि मैंने नहीं तैयारी की थी मैं फेल हो गया, यही है राइट इंटरप्रिटेशन, अपना फेलियर माने। एक बंदा कहता है जी मैंने समंदर स्विम करना है, अब वो समंदर की स्विमिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, अब वो फेल हो जाता है। तो अब राइट इंटरप्रिटेशन ये कि तूने तैयारी नहीं की, तुम में इतनी सकत ही नहीं थी, तुम्हारी रिसोर्सेज ही नहीं है। ये भी हैबिट होती है, आदत डालनी होती है, अपने आप को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करना होता है, यहाँ तक कि आपकी सोच पॉजिटिव बन जाती है। जैसे अम्बिया के पहले अल्फाज ही पॉजिटिव निकलते थे, इसलिए इन अल्फाज की आदत डालें, हस्बुनल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हमने अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना है जो हुआ। तो जो दुआएं रसूलल्लाह ने सिखाई हैं, पॉइंट इज़ के हमारा रिलीजन हमारी तरबियत ही ऐसी करता है कि हमें ऑटोमेटिकली इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे अल्लाह ने मोमिनीन की जितनी क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर वो आप पढ़ लें ना सूरह मोमिनून में, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں۔ لغو ہوتا ہے گوسپنگ، فضول کے کام، بیک بائٹنگ، ٹائم ویسٹنگ کام، ان سے آراز کرنا، یہ بھی ہائی
मेनली जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सेल्फ अवेयर होते हैं बहुत, वो उनसे आराज करते हैं। तो अगेन पॉइंट यही है कि जितना आप इस्लाम के करीब होते जाएंगे, जितना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते जाएंगे, उनका रवैया अपनाते जाएंगे, जितना आप अंबिया की स्टोरीज पढ़ते जाएंगे, उनसे स्ट्रेंथ लेते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आती जाएगी, क्योंकि उन सब में बला की इमोशनल इंटेलिजेंस थी, बहुत हाई लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस थी। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग स्टोरीज पढ़ें, ठीक है, जिनसे आप रिलेट कर सकें, सहाबा की स्टोरीज पढ़ें, सहाबा की कई स्टोरीज़ की बुक्स आपको दारुसलाम से मिल जाएंगी, लेकिन बेस्ट ये है कि आप सीरत पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पेश आते थे, उस पर कोई किताब जो है वो आप ज़रूर पढ़ें। सो यहाँ पे ही आज वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुभानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।